हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मस्त से और बहुत ही क्विक से सैंडविच की रेसिपी। तो देखिए, ये मैंने ले ली है पत्ता गोभी। इसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। साथ में ये लिया है मैंने शिमला मिर्ची, इसको भी मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। टमाटर, इसको भी। और ये जो गाजर मैंने लिया है ना, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है बहुत पतला पतला, क्योंकि गाजर के बहुत छोटे पीस क्या कट करती, मैंने सोचा कद्दूकस ही कर लेती हूँ। इसके साथ ही ये मैंने ली है धनिया की चटनी, और ये ली है मैंने टमाटो सॉस, और साथ में ये लिया है मैंने चीज़। और इसे और भी मज़ेदार बनाने के लिए ये ली है ब्रेड, और ये ली है मैंने घर के दूध की मलाई। आप चाहें तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मलाई ही यूज़ कर रही हूँ। और ये ना खाने में इतने टेस्टी लगते हैं। आज से पहले भी मैंने आपके साथ कई सारे सैंडविच की रेसिपी शेयर की है, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इधर देखिए, मैंने ले लिया है ये बाउल, और इसमें डाल दूंगी मैं ये मलाई। इसके बाद ये जो सारी सब्जियां हमने कट करके रखी हैं, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्ची, जो आपको पसंद हो आप वो सब्जी रख सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ पसंद है तो आप डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने यही डाल दी है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही डालनी कंपलसरी है, जो आपको पसंद हो। और इन्हें ना इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और हाँ, अगर आप प्याज खाते हैं तो डाल सकते हैं। और इसके साथ ही अब जाएगा इसमें नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी जीरा पाउडर। बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। और बस अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और बस ये सैंडविच बनाने के लिए हमारी स्टफिंग तैयार है। तो देखिए, ये ले ली है मैंने ब्रेड। सबसे पहले हम इस पर लगा देंगे ये टमाटो सॉस, साथ में एक तरफ ये ग्रीन चटनी, और अब इसके ऊपर रख देंगे हम ये स्टफिंग। फैला लेंगे अच्छे से चारों तरफ। और इस पर मैं डाल दूंगी हल्के से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा चीज, इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। अगर नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन वही है, किसी चीज को अच्छा बनाने के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा डाला जाए तो बस बात ही क्या है। तो मैंने चीज भी यूज कर ली है, और हल्के से चिली फ्लेक्स मैं ऊपर से डाल दूंगी। और इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे दूसरा ब्रेड। इस तरीके से मैंने ये तैयार कर लिया है, और अब ये सेकने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से देखिए, ये दोनों ब्रेड मैंने तैयार कर लिए, और अब इन्हें सेक लेते हैं। और हाँ, सेकने से पहले ना हम इन पर डाल देंगे हल्का सा ब्लैक पेपर, इधर मैंने तवा पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इस पर मैं डाल दूंगी देशी घी, और अगर आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं। और बस रख देंगे ये ब्रेड। और स्लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें सेकना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। इनके ऊपर मैं रख दूंगी ये कढ़ाई का जो ढक्कन है, इससे ना चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फटाफट से।
इधर देखिए सीखते हुए ना 1-2 मिनट हो चुके हैं, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। हल्का सा ना हम इस साइड ही इन पर लगा देंगे घी। दोनों ब्रेड पर मैंने घी लगा दिया और अब इसे हम पलट देंगे। फ्लेम मैंने बहुत ही स्लो कर रखा है ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी से बनकर तैयार हो, और वापस से इन्हें हम ढक देंगे। इधर दूसरी तरफ से भी सिकते हुए 1-2 मिनट हो चुके हैं, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। हल्के से और सिकने हैं ताकि क्रिस्पी हो जाएं। तो देखिए ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुके हैं, तो मैं इन्हें निकाल लूंगी और चलिए चलते हैं अब इन्हें सर्व करने की प्रोसेस में। इधर देखिए मैंने ये निकाली है चॉपिंग बोर्ड पर और अब हम इन्हें कट कर देंगे। अगर आपके पास पिज्जा कटर नहीं है तो आप चाकू से भी कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाते हैं। तो देखिए ये कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी से ये मलाई सैंडविच बनकर तैयार हैं, और लग रहे हैं ना देखने में बहुत मस्त, और इसमें मैंने चीज का यूज किया है तो इससे ये और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और आप ना ये एक बार ट्राई करना, ये सबको बहुत पसंद आएंगे और बहुत फटाफट से बन भी जाते हैं। तो चलिए वीडियो और अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।